بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته नमस्कार ये ईद मिलन प्रोग्राम जो आज ऑर्गेनाइज किया गया है अंजुमन 150 साल मुकम्मल करने जा रहा है। हमने तय किया कि एक ईद मुबारक का जश्न मनाया जाए और जिसमें हमारे हिंदुस्तान के सभी भाई बहनों हर मज़हब के उनको दावत दी जाए। एक पैगाम इस मुल्क में देने का एक शुरुआत हमने की है। अंजुमन इस्लाम का अखलाकी फर्ज बनता है जो हिंदुस्तान का एक मिसाली मेयारी और तारीखी इदारा है जिसने इस मुल्क को बताया उस दौर में कि सेक्युलरिज्म क्या चीज होती है। आज के दौर में बड़े जोरों से कहा जाता है सबका साथ। 1874 में हमने इस मुल्क को ये पैगाम दिया कि हम सबका साथ लेके चल रहे हैं। मान्यवर जो स्टेज पे मौजूद है आपल्याला सांगण्याची इच्छा करतो की इथं आपल्याकडे सगळे धर्माचे लोक आहेत। वी हॅव स्टुडंट्स फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज कास्ट रिलीजन अँड रिजन और अंजुमन की ये जिम्मेदारी है कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखना जरूर है आज के माहौल को देखते हुए। बहुत सारे लोगों ने जो स्टेज पे आए माइक पे आए उन्होंने अलग अलग बातें की, अलग अलग तरीके से सियासी बातें हुई और दूसरी भी बातें हुई, लेकिन हमको आज ये तय करना है कि हम सब मिलके जो हिंदुस्तान का भाईचारा बहुत दूर तक चला गया है उसको नजदीक लाना है। और हमने ये तय करना है कि हमको क्या करना है। हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। एक बात याद रखिए, मैंने दुनिया भर के सब मुल्क देखे हैं लेकिन हिंदुस्तान जैसा माइनॉरिटीज के लिए बेहतरीन मुल्क कहीं भी नहीं है। आज का माहौल में कुछ अंग्रेजी में हम कहते हैं एबरेशंस आर देयर एंड दैट नीड्स अ कोर्स करेक्शन। उस बात को लेके हमारे अंजुमन के जिम्मेदारान ने और बहुत सारे एनजीओ ने, सबसे बड़ा एक एनजीओ ऑल इंडिया विमेन फेडरेशन के जो साहब यहाँ मौजूद है, कोकनी बिरादरी के लोग हैं, दखनी बिरादरी के लोग हैं, बहुत सारे एनजीओ जुड़ गए और अंजुमन ने तय किया कि इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। स्टेज पे बैठे हुए बहुत सारे जिम्मेदार लोग यहां बैठे हैं, पहली बार शायद आप अंजुमन में तशरीफ लाए। अंजुमन ने एक ईद मिलन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था 1937 में। उसके चीफ गेस्ट कौन थे पता है आपको? हिंदुस्तान के आईन के शिल्पकार जो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने यहाँ ईद मिलन प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया था। उसकी तस्वीरें मेरे पास हैं और हमारे आर्काइव डिपार्टमेंट ने भी इसकी हिस्ट्री है। अंजुमन वो इदारा है जिसके फाउंडर जस्टिस बद्रुद्दीन तैयब जी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के थर्ड प्रेसिडेंट थे और पहले हिंदुस्तानी जज थे जब फिरंगी सब जज हुआ करते थे बॉम्बे हाई कोर्ट में। ये वो शख्स है जिसने लोकमान्य तिलक को बेल दी। उनसे पहले दो हियरिंग ब्रिटिश जजेस थे लेकिन उन्होंने हिम्मत की और उनको बेल दे दिया और उसके बाद उन्होंने वो पेशाई छोड़ दिया। ये हमारे जो अंजुमन को कायम करने वाले हमारे कर्ता धर्ता है, उन्होंने एक मिसाल कायम की और वो मिसाल पे हम आज भी कायम हैं।
और अंजुमन सबसे बात करता है। हम प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते हैं, होम मिनिस्टर से भी मिलते हैं, भागवत जी से भी मिलते हैं, और हमारी बातें हम कहते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारा हक बनता है कि हम हमारी बात हर मंच पे लेंगे। और मैं ये बताता चलूं, हमारी जो कमजोरियां हैं, हम जो पिछड़े वर्ग से पिछड़े हुए हैं, आपल्याला माहित असेल, एक जस्टिस ब्राह्मण जज सच्चर साहेब त्यांनी एक रिपोर्ट या देशाला दिला, तिथे ते म्हणाले की मुस्लिम्स आर द मोस्ट बॅकवर्ड, मोस्ट मोर बॅकवर्ड देन आवर दलित ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो 70 साल में हम पीछे ही रहे, लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, हमारे बलबूते पर हमारे बच्चों ने जो यहां से जो तालीम हासिल की, उन्होंने हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी अपना अंजुमन का परचम लहराया, इस देश का परचम लहराया। मैं अभी अमेरिका गया था, और हमारा एक कोलैबोरेशन MIT यूनिवर्सिटी से हुई। सुनने की बात है, MIT यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसके साथ अंजुमन का कोलैबोरेशन हुआ, बल्कि IIT के साथ भी नहीं हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं, वी वॉन्ट टू गेट इन टू द ग्लोबल कॉम्पिटिशन, नॉट इन एन इंडिया। और जितना हुनर मुसलमान कम्युनिटी में है, शायद किसी के पास नहीं है। आपको अच्छा ड्राइवर चाहिए, बड़े 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 से बड़े नेता, बड़े बड़े पार्टी के जो दूसरे आइडियोलॉजी के हैं, वो अपना ड्राइवर मुसलमान रखते हैं, अपना बॉडीगार्ड मुसलमान रखते हैं। ये क्या बताता है कि हमारे कौम में, हमारे बच्चों में हुनर है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और ये अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। अंजुमन ये भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहूंगा कि आज के ईद मिलन के प्रोग्राम में जब आप घर जाओगे, तो इस इदारे के लिए दुआ कीजिए। यहां 1,10,000 बच्चे पढ़ते हैं, 70% बच्चों के वालिदैन तालीम याफ्ता नहीं है, दे आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, और 50% बच्चे फीस भी नहीं भर पाते। और हमने देखा कि जो गरीब बच्चा होता है, वो उसका परफॉर्मेंस पार एक्सेलेंस। लड़कियों के बारे में हमारे मजहब में कहा गया है कि 1 या 2 बच्चियों को अगर आप अच्छी तालीम देते हो, उसका घर बसाते हो, तो वो लड़की आपको जन्नत के दरवाजे ले जाती है। ये इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम में इतनी अच्छी चीजें हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि हम अपने अमाल पे कहीं ना कहीं कम उतरते हैं। जिस दिन हम हमारे अमाल सही रहेंगे, तो लोग कहेंगे देखिए ये मुसलमान है, ये हिंदुस्तानी है, इसको हमको ही शुड बी माई रोल मॉडल। क्यों ना आज हम ये तय कर लें कि हम अच्छे मुसलमान, अच्छे हिंदुस्तानी बने, हमको भी कोशिश करनी है। लेकिन एक बात बताता चलो, क्योंकि बहुत सारे सियासती बातें यहां हुई, हिंदू समाज, हिंदू बिरादरान ने हमारे इनका टॉलरेंस था एक मिसाल थी, ये सबको लेके चलते थे। अगर ये टॉलरेंट नहीं रहती, तो ना इस्लाम आता, ना क्रिश्चियनिटी आती यहां पे। लेकिन आज थोड़ा माहौल ने एक ऐसा मोड़ लिया है कि काफी तादाद में लोग उस माहौल में नहीं है, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी भी है। आप सोचिए, 20, 25 साल, 30 साल पहले ईद हम मनाते थे, तो हमारे हिंदू और ईसाई भाइयों को हम घर बुलाते थे, बिरयानी देते थे, शुरकुरमा, और वो हमको दिवाली में बुलाते थे। हम सब ने ये रिवाज छोड़ दिए। तो ये रियाज काम में कायम करने के लिए ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया। और आपने यहां OBC समाज, दलित समाज के लोगों ने यहां अच्छी अच्छी बात कही।
हम आपके साथ जरूर जुड़ना चाहेंगे, इसलिए कि जो ये अगर हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है, बनेगा इंशाल्लाह, लेकिन हम और आपकी तरक्की नहीं हुई तो ये विश्व गुरु बनने को वक्त लगेगा। इस स्टेज से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब मिलके इस मुल्क को विश्व गुरु बनाना है, तो जो कमजोर तबका है उसको साथ में ले चलना है। और एक बात याद रखिए, हमारी थोड़ी आदत सी हो गई है, हमारा फोकस थोड़ा हट गया, हमारा भी हट गया है। वो जब एक कानून आया डीमोनेटाइजेशन, सबसे ज्यादा मुसलमान व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटी में आगे है। अरे हमारे पास पैसा ही नहीं तो हम उसके पीछे क्यों लगे, वो और पोलराइजेशन हो जाता है। जीएसटी आया तो मुसलमान तो सबसे आगे व्हाट्सएप पे क्यों, वो लड़ाई दूसरों को लड़ने दो, हम अपने तरक्की की तरफ सोचें। क्योंकि ये तालीमी इदारा है, इतने तादाद में लोग हैं, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे बेटियां बच्चियां बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही हैं, बल्कि लड़के नहीं, इस पे भी आपको ध्यान देना होगा। गुज़िश्ता दो तीन रोज़ पहले आपने देखी होगी इफ्तारियां होती हैं, पॉलिटिकल इफ्तारियां होती है, ताज में इफ्तारी होती है। क्यों कर रहे हो इतना शोर शराबा, वो पैसा बचा के गरीब बच्चों के तालीम के लिए दीजिए ना। शादियों में आप इखराजात करते इतना जोरदार से, थोड़ा हिस्सा उसमें का यतीम बच्चों के लिए रखिए। मैंने हमारी इफ्तारी यतीम खाने में की, वर्षा में हमारे बच्चों का यतीम खाना है, आधा घंटा जो वहां की बच्ची ने दुआ की, सब लोग जारो कतार हो रहे थे। उस लड़की को हमने पूछा, बेटा तेरे वालिदैन का कुछ पता है, तो पता ही नहीं, दोनों भी नहीं है, आप क्या कर रही हैं। रेजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैं फाइनेंस अकाउंट्स में थर्ड ईयर में है, और फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में आई स्टूड फर्स्ट। वो बच्ची जिसके माँ बाप नहीं है और यतीम खाने में पढ़ाई कर रही है, आने वाले दो दिनों में एक उसके बारे में आर्टिकल आने को है। और जो गंगा जमुनी तहजीब की जो बात हो रही है, आप जरा बराबर इसको सुनिए। मेरे ऑफिस में एक साहब आते, एक मशहूर लॉयर हाईकोर्ट के नायक साहब, और उनकी बेगम साहब आती हैं और कहने लगी, मेरे बेटे के लिए आपकी बेटी जो यतीम खाने की है उससे शादी करवाना चाहती। पहला मैं थोड़ा लगा ये क्या बात है, नहीं तो ये लव जहाद का मामला उठेगा, आजकल सब जिहाद जिहाद चला है। तो कहा, नहीं मेरे बेटे का नाम अब्दुल है। बोले वो कैसे, बोले यतीम बच्चा एक यतीम खाने पूना में था, फिर अंबरनाथ में गया, बहुत बेहतरीन मराठी बोलता है, और उसने एडमिशन लिया ग्रेजुएशन के लिए बेडेकर कॉलेज थाना में, और बेडेकर कॉलेज की प्रिंसिपल मिसेस नायक थी, वो साइकोलॉजिस्ट भी थी। उस बच्चे को बुला के पूछा, पढ़ाई में तू इतना आगे है लेकिन तू बहुत स्पिरिट्स के हिसाब से, आपका चेहरा बताता है कि आप गमशुदा है, क्यों। वो लड़के ने कहा, मेरा कोई नहीं है और आई एम फीलिंग लॉस्ट। शी सेड, वुड यू लाइक टू कम टू माय हाउस एंड स्टे। ही सेड, व्हाई नॉट। शी वेंट होम, स्पोक टू हर हस्बैंड, अ सीनियर लॉयर एट बॉम्बे हाईकोर्ट, और वो वडाला में माशाल्लाह उनका तीन बेडरूम वाला अपार्टमेंट था, उसने कहा हम लेके आते हैं। फिर उनको थोड़ा वक्त लगा कि उनका एक बेटा बेटी थी, दे हैड प्रॉब्लम, देन दे आल्सो सॉर्टेड आउट। उसको उन्होंने पढ़ाया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया। वो लड़का आज जनरल पोस्ट ऑफिस में डिप्टी सॉर्टिंग ऑफिसर है, और उसको एक मकान भी मिला।
तो यतीम खाने के बच्चे का एक यतीम दूसरों के यतीम से शादी करवाने आए। और हमारा अंजुमन में ऐसा होता है साहब, अच्छी तालीम दी जाती है, उनकी परवरिश ऐसी होती है, हमारे बच्चों से बेहतरीन परवरिश होती है, उनको बसाया जाता है और उनकी शादी भी की जाती है। इसलिए हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बसाओ हम करते हैं। और वो शादियों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आके एक 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 फैमिली वो बच्ची का जहेज देती है, वार्डरोब, एक कोई किचनट देता है, ज्वेलरी होती है, लोग आते हैं ऐसे महफिल में, पैसे देते हैं बच्ची को, उस तरह से शादी होती है। और इस शादी में मिस्टर एंड मिसेस नाइट इस्लामी लिबास में आए थे, उसकी पूरी फैमिली, और निकाह के बाद उन्होंने तकरीर की और पूरा जो सामयीन हुआ था जारो कतार हो रहा था। हिंदुस्तान में ऐसा भी है, दो यतीम बच्चों को एक हिंदू फैमिली इस तरह करती, कई मिसालें हैं। अच्छे लोग सब जगह है, माहौल बिगड़ा हुआ है, माहौल सुधारने का एक तरीका ये ईद मिलन भी प्रोग्राम था। और लोग क्या कहते हैं आपको बता रहे हैं, इस्लाम की बहुत खूबियां हैं। बोले आजकल वॉशिंग मशीन का चर्चा होती है, तुम इधर आओ तो वॉशिंग मशीन में डालते आप साफ हो जाते हो। किसी ने कहा इस्लाम में वॉशिंग मशीन रमजान का महीना है, इबादत होती है, सब गुनाहें माफ होती है, उनसे सीखो। तो हमको हमारे मजहब को सही तरीके से पेश करना है, क्योंकि हमारे मजहब को लेके आज बहुत सारे इस्लामोफोबिया भी है, तो उसमें हमारी भी जिम्मेदारी है। आपके पड़ोसियों के साथ, आपके मोहल्ले वालों के साथ, हिंदू ईसाई भाइयों के साथ आप भी ताल्लुकात बढ़ाइए। अंजुमन वही कर रहा है। आज मैं बताता चलूं कि अंजुमन इस्लाम को कभी भी कोई स्पीड ब्रेकर नहीं हुआ, कोई भी सरकार आने दो। वो इसलिए कि यहां के लोग नेक नियत से काम करते हैं और गैबाना मदद आती अच्छे काम के लिए। इसलिए 1,10,000 बच्चे पढ़ते हैं, 3,500 हमारा स्टाफ है और 100 इंस्टीट्यूशन है। और आने वाले 3 महीने में वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी लंदन में एक MOU साइन हो चुका है और एक हमारा ब्रांच वहां भी खुलने जा रहा है। और साहब गैर मुस्लिम बच्चे जो यहां से पढ़ के गए हैं, मैं एक इंजीनियर से वहां मिला, उसका भी नाम मोदी है, अच्छा नाम है मोदी, मैं बता रहा हूं। वो नासा का टॉप एडवाइजर है, आज भी वो फखर से कहता है कि मैं साबू सिद्दीक अंजुमन इस्लाम का स्टूडेंट हूं। ये अंजुमन इस्लाम है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत कुछ बोलना था लेकिन बहुत सारे लोगों को सुनना भी था। आपको समी भी होना चाहिए और खतीब भी होना चाहिए। तो आप अंजुमन में आए, इतनी बड़ी तादाद में हर जमात से आए, हमारे जर्नलिस्ट साहब आए, 2 eminent जर्नलिस्ट भी रहे, कम्युनिटी के लोग रहे, दूसरे कम्युनिटी के लोग रहे, इतनी तादाद में स्टेज पे आए, तो हमको लगा आने वाला जो ईद मिलन होगा अगले रमजान पे वो और भी बेहतर होगा। और ये रमजान से वो रमजान में हमने कुछ करके दिखाना चाहिए। हर एक फंक्शन का मकसद सिर्फ आए, तकरीरें सुने, कुछ खाना खाए, घर चले गए, नो। तुमने भी ये अपना कीमती वक्त, 4 घंटे का वक्त इन्वेस्ट किया है, इसका रिटर्न होना चाहिए। और मैं आप सबके चेहरे देख रहा हूं, फ्रंट रूम में हमारे एक साहब बैठे हैं, आप जरा खड़े हो जाइए 1 मिनट के लिए, डॉक्टर विकार खान। इन्होंने मास्टर्स किया है, PhD अमेरिका में किए, हमारे चेयरमैन रहे साबू सिद्दीक के, ये कंपनी चलाते हैं, पूरा CSR फंडिंग 20 लाख रुपए उन्होंने अंजुमन के गरीब बच्चों को दिया। ताली तो बजी, लेकिन आने वाले रमजान में अगर जकात का कुछ हिस्सा अंजुमन में आता है तो बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई होगी। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, उर्दू हमारी जुबान है, सिर्फ हमारी नहीं
बहुत सारे हिंदू भाइयों को भी जुबान है, इसको जिंदा रखना है और ये जबान ता कयामत तक जिंदा रहेगी। उसके लिए जो अंजुमन काम कर रहा है वो सुनने की आपको सुनाना जरूरी है। हम उर्दू मीडियम स्कूल भी चलाते, मियारी मिसाली है। आपने गोष्ठी भी सांगू इच्छू तो तुम्हारा नितिन साहेब, ये नितिन वैद्य साहब है ना, ये महाराष्ट्र टाइम्स के एडिटर थे, अभी फिल्म प्रोड्यूसर है, बहुत बिजी है। इनकी मर्सिडीज गाड़ी तो मैं देखते रहता हूँ, आलिशान है। वो बंदा भी यहाँ आ गया है मेरे साथ, सेवा दल में है। तो इन्होंने एक मराठी में आर्टिकल लिखा अंजुमन के बारे में। ये जरूरी है कि हम में से कोई लिखे, उसके बजाय आप लिखते हो तो उसका वेट ज्यादा होता है। हमारी बांद्रा की उर्दू मीडियम स्कूल की बच्ची कहाँ रहती है, धारावी में, उर्दू मीडियम की बच्ची। आईआईटी पवई ने एक कंपटीशन रखा क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, फर्स्ट प्राइज बॉम्बे स्कॉटिश को गया। बॉम्बे स्कॉटिश आप जानते होंगे नंबर वन। नंबर टू उर्दू मीडियम स्कूल बांद्रा की लड़की को अवार्ड मिला बाय आईआईटी। तो उर्दू मीडियम के बच्चों का भी मेयार होता है, तो जहां भी आपको वक्त मिला तो उर्दू के फरोग के लिए भी थोड़ा काम कीजिए। नेता लोग, बड़े बड़े लोग स्टेज पे आके, हमारे लोग उर्दू के बारे में फिक्रमंद होते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। हम सबको करना होगा कुछ ना कुछ। घर में आपके बच्चों को इंग्लिश मीडियम है तो उर्दू पढ़ाइए जिस तरह अरबी पढ़ाते हो। कल एक दौर आएगा कि आपके घर में आपका बच्चा, आपका पोता, मैंने देखा मेरा पोता भी अंग्रेज बन गया, पोता पोती। फिर हमने उर्दू टीचर रखा, अरबी रखा, और वो सबसे छोटा मेरा पोता हर बात पे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह शुरू किया, सदन पढ़ता है इंटरनेशनल स्कूल में। लेकिन ये हम सब ने करना चाहिए। 10 बजने को है और ऑर्गेनाइजर ने मेरी तरफ इशारा कर रहे हमारे इकबाल मेमन साहब के, दस्तरखान की भी इज्जत की जाए और दस्तरखान आपका इंतज़ार कर रहा है। चलो क्यों ना हम वहाँ चलें। इस नाचिस को आपने बर्दाश्त किया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई थैंक ऑल ऑफ यू। I express my sense of gratitude for all of you to have come in large numbers and hear us, and especially that great lady, Mrs. Iyer. She's a professor of IIT, but she's the one who is worried about आज के माहौल को लेके। ऐसे लोग आए, इसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अपनी जगह पे